हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रैडिक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैश विड्रॉल की एंट्री को कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करके कंपनी के मेन मेन्यू में एंटर होना होगा। हम यहां ऑलरेडी कंपनी के मेन मेन्यू में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रैडिक्स में कैश विड्रॉल की एंट्री करने के लिए हम यहाँ पर ट्रांजैक्शंस, बैंक, पेमेंट्स, सिंगल पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट डेबुक का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें जिस बैंक से आपने कैश विड्रॉल किया है उस बैंक को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस कर देना है, या फिर आप यहाँ पे ओके बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। बैंक पेमेंट का एंट्री मॉड्यूल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट या वाउचर नंबर एंटर कर देना है। डेट, यहाँ पे चेक पे जो डेट है वो आपको यहाँ डाल देनी है। अकाउंट, यहाँ पे आपको F4 की को प्रेस कर देना है। अकाउंट्स की लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे आपको कैश अकाउंट को टाइप करके सिलेक्ट कर लेना है। चेक नंबर, यहाँ पे आपको चेक पे जो नंबर है वो डाल देना है और यहाँ पे उसकी डेट डाल देनी है। अमाउंट, यहाँ पे आपको जितना अमाउंट विड्रॉ करना हो वो अमाउंट यहाँ पे आपको डाल देना है। GST एंट्री टाइप, यहाँ पे आपको नॉर्मल ऑप्शन सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। और भी जो फील्ड्स आपको यहाँ पे एंटर करनी हो वो आप एंटर कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। एंट्री सेव हो जाएगी, न्यू बटन एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आप न्यू बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट एंट्री को भी इसी तरह से कर सकते हैं। इस तरह से आप रैडिक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैश विड्रॉल की एंट्री को कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।